जो CBSE का सिलेबस, उसमें हम 90 प्लस कैसे लाएं, 100 में 90 प्लस स्कोर कैसे करें। हाँ एक बात है, अगर आपका इंटरनल में अगर नंबर कम देता है तब तो नहीं आ पाए। उससे सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले उसका सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। और मुझे पता है कि इसी फरवरी के एंड मंथ में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उन बच्चों भी ध्यान से देखो, और जो 2024-25 के जो बच्चे वो भी ध्यान से देखो, ठीक है। ज्योग्राफी दो हिस्से में बटा हुआ है, आप सबको पता है, 12वीं में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी है, दोनों से इससे 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इससे 35 नंबर आएगा, जिसमें से 30-30 नंबर का थ्योरी दोनों से रहेगा, 10 नंबर का मैप आएगा, प्रैक्टिकल आपका 25 नंबर का होगा, वाइवा 3 नंबर का होगा, और जो प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते हो वो आपका होगा 2 नंबर। अब सवाल है कि कैसे आएगा हमारा 90 प्लस, मैं बताता हूँ, देखो पढ़ेगा, ठीक है, कि जैसे कि जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका पहला बुक है उससे चैप्टर वाइज कितना नंबर आ रहा है, तो आप देखो जो पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी उससे सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। आप आज किताब खोल के देखना, उसमें 3 टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, ह्यूमैनिज्म इन नेचर, और नेचर किस तरह से ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करता है, पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म। तो ये आप जब पता चल जाएगा ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक सवाल आने वाला है, तब आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए। क्या घंटी बजना चाहिए कि भाई साहब मेरे पास 3 टॉपिक है यहाँ पे पढ़ने वाला, कौन सा टॉपिक है, मैंने बताया था ह्यूमैनिज्म, फिर पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म, यही 3 से आएगा। अगर आप इन 3 का आंसर बना लेते हो 3 नंबर का, तो आपका काम हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 2-3 से आपका मिला के 8 नंबर का नंबर आएगा, फिर प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी इंटरनेशनल ट्रेड से टोटल 19 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब हम चैप्टर वाइज समझ जाएंगे कि किससे कितना नंबर का आएगा, तब आप जब प्लानिंग करोगे किस तरह से पढ़ना है, स्पेशली लास्ट मोमेंट में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, उनका बहुत ईजी। पहला चैप्टर है ना ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन, कितना नंबर का आएगा, 5 नंबर का एक सवाल आने वाला है इसमें, इस चैप्टर से 5 नंबर का आएगा। ह्यूमन सेटलमेंट, आपको जब पता चलेगा ह्यूमन सेटलमेंट 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप ईजिली पढ़ सकते हो। वाटर रिसोर्स, मिनरल एनर्जी सोर्स, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया, 1-2-3-4 चैप्टर मिला के 10 नंबर आएंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये 2 चैप्टर मिला के 7 नंबर से क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, 5 नंबर का। तो ये जो नोवा जो टॉपिक है इससे क्या क्वेश्चन होता है, एयर पॉल्यूशन एग्जांपल देता हूँ, इसका क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, ये जब आपको चैप्टर वाइज पता चल जाएगा। मैं लास्ट मिनट टिप्स आपको बता रहा हूँ, आप सब इस चैप्टर वाइज जाके आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो, उस क्वेश्चन पेपर को अगर आप समझ गए ना तो ईजिली आप 90 प्लस स्कोर कर दोगे, ठीक है। मैंने यहाँ तक मैप्स में जो 10 नंबर का मैप्स आएगा ना आप एग्जाम, उसको लिए भी मैंने लिख के रखा है। आपको क्या प्रिपेयर करना है, चैप्टर 2 जो आपका फर्स्ट बुक है वहाँ से वर्ल्ड मैप में आपको क्या मार्क करना है, 10 मोस्ट पॉपुलेस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर क्या आइडेंटिफाई करना है, देखो वर्ल्ड मैप में आपको आइडेंटिफाई करना है यूरोप एंड एशिया में जो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज जिसका 3% से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर आप जाके देखो चैप्टर 4, वहाँ पे आपको क्या करना है, मेजर एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग कहाँ होता है, नोमेडिक हर्डिंग कहाँ होता है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक कहाँ होता है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहाँ होता है, मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ होता है वर्ल्ड में, इसको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो ये सब आपको कोई नहीं बताता है, मैक्सिमम जो टीचर्स हैं जो यूट्यूबर हैं वो आपको बता देगा, अच्छा वर्ल्ड मैप ले आएंगे बता देंगे, ठीक है। ये सब बुक में NCERT बुक में दिया हुआ है, और मैं भी अपना जो सीरीज़ ये जो सीरीज़ चलेगा जो जिसमें हम क्लास 12 के ज्योग्राफी को पूरा सिलेबस को एकदम डीप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कोई पढ़ाता नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप जब ज्योग्राफी ऑनर्स करोगे ना, अगर आप प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को इग्नोर कर दे रहे हो तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है, ठीक है। आप देखो जो चैप्टर 7 है उसमें से आपको क्या क्या वर्ल्ड मैप में आना चाहिए, ट्रांस साइबेरियन रेल कहाँ से गुजरता है, ट्रांस कैनेडियन रेलवेज कहाँ से गुजरता है, ठीक है। अब देखो ड्रो स्विच कैनल कहाँ है, पानामा कैनल कहाँ है, सेंट लॉरेंस सीवे कहाँ है, राइन वाटर वेव्स कहाँ है, वर्ल्ड मैप को आना चाहिए, टिक करना है, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ पर मेजर एयरपोर्ट्स को आपको आना चाहिए एशिया में, जैसे टोक्यो कहाँ है, बीजिंग कहाँ है, मुंबई कहाँ है, जेदा कहाँ है, अफ्रीका में जोहान्सबर्ग कहाँ है, नीरोबी याद है आपने देखा है ना वेब सीरीज, मॉस्को, लंदन,
शिकागो, न्यू ऑर्लियंस, मैक्सिको सिटी, साउथ अफ्रीका में सेंटिगो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, विलिंगटन कहाँ है, ये सब आपको आना चाहिए, ये कोई नहीं बताता है। चैप्टर 8 में देखो आपको लेवल वर्ल्ड WTO में, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप में आपको लोकेट करना चाहिए, मेजर सी पोर्ट यूरोप का जो मेजर सी पोर्ट है जैसे नॉर्थ कैप, लंदन, हैम्बर्ग कहाँ पर लोकेट करता है, नॉर्थ अमेरिका का जैसे वैनकूवर, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो कहाँ है, ठीक है, अफ्रीका में स्वीज एंड कैप टाउन कहाँ है, एशिया में योकोहामा, शंघाई, हांगकांग कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी, मेलबर्न कहाँ है, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट जो बुक 2 से क्या क्या आपको लेबल करना है, मार्क एंड लेबल द मिलियन प्लस सिटी, मिलियन प्लस सिटीज इंडिया का कहाँ कहाँ है उसको मार्क करना है, थ्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जैसे कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, बंगाल, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, व्हीट का कल्टीवेशन 3 सबसे भारत का कौन सा राज्य में होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर एंड आइडेंटिफाई दिस कंट्री, भारत किस किस से व्यापार करता है, जैसे इंडिया और चाइना ट्रेडिंग पार्टनर सबसे ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए मैप में लोकेट करने का, ठीक है। फिर जैसे चैप्टर 1 से आपको क्या पता होना चाहिए, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सा है 2011 में हम लोग को पता है अरुणाचल प्रदेश, ये आपको मैप में लोकेट करना आना चाहिए। उसमें से आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि कांडला, मुंबई, कोची, मेंगलुरु ये जो मेजर सी पोर्ट है कहाँ लोकेटेड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता ये सब कहाँ लोकेटेड है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और मैप में हम पॉइंट कर पाएं, मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई 6 दिन आपके पास बचे हैं मेरे ख्याल से, आपको 6 दिन में मैप्स जरूर करना है क्योंकि मैप्स आपको 10 में 10 दिलवा देगा, ठीक है। अगर आपका मैप में आप अगर 10 में 10 स्कोर कर लेते हो ना तो जो रिमेनिंग 60 मार्क्स बचा थ्योरी, अगर मैंने जो सिलेबस आपको बताया वो सिलेबस के अनुसार जस्ट आप सिलेबस को देखो, जो लोग सिलेबस कवर नहीं किए उनके लिए आप उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो, देख के आप समझ जाओगे कि इस चैप्टर जैसे कि मैंने बताया चैप्टर 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 सबसे पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, पहला पॉसिबिलिज्म, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या है, ठीक है, और न्यू डिटरमिनिज्म, ये 3 सबसे कॉमन क्वेश्चन बनता हुआ है, ठीक है। उसी को क्या नाम है, पॉसिबिलिज्म को ये ह्यूमनिज्म इन नेचर कह दिया गया है, और ह्यूमन किस तरह से नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, चेंज कर देके, ठीक है, ये मेन थी। अगर ये 3 आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। उसी तरह से जैसे कि चैप्टर दूसरा चैप्टर लोग आप समझ जाओगे, जैसे कि सिलेक्टेड इशू जो चैप्टर था उसमें से क्या क्वेश्चन है, एयर पॉल्यूशन वगैरह वगैरह, एक कोई प्रॉब्लम है उसके अनुसार, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हो ना, प्रैक्टिस करते हो तो आपका काम हो जाएगा। आप मैप मिस मत करो, 60 मार्क्स का जो थ्योरी है अगर मेरे में जो आपको सिलेबस बताया हूँ ये अगर आप कर लेते हो आपका 90 प्लस से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब हम देखते जो चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, उससे क्या आएगा, उससे अगर आप ध्यान से देखो आयरन ओर्स कहाँ मिलते हैं, मयूरभंज कहाँ है, रत्नागिरी कहाँ है, मैग्नीशियम माइंस बालाघाट, सिम्भोग, ठीक है, बॉक्साइट माइन, बिलासर, कोरापट कहाँ है, कोल माइन, झड़िया, बोकारो, रानीगंज, नबिली, जैसे देखो कोल माइन में झड़िया कहाँ पे, झारखंड। अगर आप जब मैप करोगे ना आप झड़िया झारखंड में आप कहीं भी दिखा देते हो कोल के सैंबल से तो आपको नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट स्टेट भी पता है ना कि कहाँ पे लोकेट करता है, आप उतना भी करते तो फिर भी आपको नंबर दे दिया जाता है। जैसे कि ऑयल रिफाइन्स देखो जामनगर कहाँ पे, गुजरात। अगर नहीं पता कि गुजरात में कहाँ है मैं बता दे रहा हूँ, आप गुजरात में लोकेट कर दो कि जामनगर में ऑयल रिफाइनरीज है, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि बरौनी कहाँ है, बिहार में है लोकेटेड है ऑयल रिफाइनरीज। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो मकसद है कि क्लास 12th का ज्योग्राफी फुल पढ़ाया जाए, वो यूट्यूबर के जैसे नहीं जो आपको सिर्फ आपका अटेंशन पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए एक चैप्टर जो सच में 1.5-2 घंटा में बहुत अच्छे जितना भी समय ले अच्छा से समझाने चाहिए, जस्ट व्यूज़ के लिए है बहुत सारे यूट्यूबर जो 20-20 मिनट में 50-50 मिनट में कवर करवा दे रहे हैं और चले जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे ज्ञान मिल जाएगा, मेरा 90 प्लस आ जाएगा, नहीं मिलेगा भाई। मैं बता रहा हूँ, फॉलो मी, फॉलो वन टीचर, आपको जिस टीचर पे आपको विश्वास है उस टीचर का वीडियो देखो, उस पे भरोसा रखो, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। अगर जो भी ये वीडियो देखता है, अगर 6 दिन में जो भी हेल्प चाहिए कमेंट करना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने अपने 12th CBSE में आई स्कोर 90 प्लस इन ज्योग्राफी। इफ़ यू डोंट बिलीव आई विल शेयर माई मार्कशीट विथ यू, सो कीप वॉचिंग, थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।